हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आप लोगों को ये सिंधी वर्क में ये जो चार बने हुए हैं और इसमें मिरर वर्क करना है तो किस प्रकार से ये सेट होगा, ये बनाने का मैं तरीका आपको बताऊंगी। तो देखिए, मैंने ये मिरर यहाँ रख के और इसे राउंड कर लिया, और राउंड करने के बाद फिर यहाँ 0.4 सेंटीमीटर का यहाँ गैप है इन दोनों के बीच में। फिर हमने इस तरह से 0.4 सेंटीमीटर जो है चारों ओर ऐसे एक डॉट डॉट लगा लिया, और डॉट के बाद फिर हम ये इस तरह से स्केल से लाइन कर दिए चारों तरफ। आप देख सकते हैं किया हुआ है। और इसके बाद फिर हम इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया। देखिए, इस तरह से आपको भी बनाना है। इस तरह करने से ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये सेंटर में एक डॉट लगा कर फिर हम ये चार भाग में इसको भी ये कर लिए हैं, बांट दिए हैं यहाँ से यहाँ और इधर से इधर। तो फिर इस तरह से ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर आराम आराम से आप धीरे धीरे इसे बना लेंगे। ये जो स्क्वायर हैं सो 0.6 सेंटीमीटर के स्क्वायर हैं। इस तरह से एक हो गया। फिर इसी तरह पहले यहाँ सेंटर में देना है तो सेंटर में इस तरह से आ जाएगा। फिर ये सेंटर यहाँ इस तरह से, और फिर ये पहले इसे ही बनाना है, और फिर सेकंड में इसे, थर्ड में यहाँ इस तरह से। ये बहुत अच्छी तरह से इसका सेटिंग बैठ जाएगा मिरर वर्क करने के लिए, स्क्वायर बन जाएगा। देखिए, फिर आप यहाँ इस तरह से रख के ये थोड़ा सा जो मार्जिन हमने दिया है 0.4 सेंटीमीटर का, ये जब हम मिरर वर्क करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, और ये भी जब सिंधी वर्क भी करेंगे तो थोड़ा सा चाहिए, तो इसके लिए ये मार्जिन है। तो आप देख सकते हैं यही है, इस तरह से ये बन जाएगा। देखिए, अगर इससे भी आपको छोटा बनाना हो तो ये कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये है, इसमें हमने एक छोटा मिरर रखा, और छोटा मिरर रख के इसे राउंड कर लिया, और उसके बाद फिर इसे सेंटर में डॉट देकर चार भागों में इसे बांट के इस तरह से, और फिर उसके बाद छोटा छोटा स्क्वायर, इसमें भी छोटे छोटे स्क्वायर बना के, थोड़ा इसमें सटे सटे हुए स्क्वायर हैं, अगर आपको छोटा बनाना हो तब इस तरह से बन जाएगा। और फिर इससे भी और भी बड़ा बनाना हो तो देखिए, ये है स्क्वायर, इसमें एक बड़ा सा मिरर खूब लगा हुआ है, और उसके बाद ये किया हुआ है। आप अपने मर्जी से, आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, बस बनाने का यही तरीका है। आप इसे इसी तरह से बना लेंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यही है मेरा आज का वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।